झाड़ू चलाने शुरू कर। यह आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ ऊपर वाले का करिश्मा है, नहीं तो हमारे पास क्या है? हम लोग बिल्कुल फक्कड़ लोग हैं। हम आप में से एक हैं, मैं आप ही में से एक हूं दोस्तों। ये सारे पॉलिटिशियन मेरे से क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं डरते कि मैं अरविंद केजरीवाल हूं, इसलिए डरते हैं मैं आप में से एक हूं दोस्तों। ये आपसे डरते हैं, ये आप लोगों से डरते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ही ताकत है। पिछले 3 साल से इन गुंडों से लड़ रहे हैं हम लोग। हम केवल सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए अब हमारे बच्चों के भविष्य की बात है, आर पार की लड़ाई है। भगवान ने एक मौका दिया है, सारे जने इकट्ठे हो जाओ। अगर ये मौका चला गया तो जिंदगी में दूसरा मौका नहीं आने वाला। तो दरियावां नू नके नहीं लगते। सवीरो आओ कट्ठे होके अपा अपने मुल्क नू चेंज करिए। पहला लीडर जित जांदे सी, लोग हार जांदे सी। इस बार लोग जितणगे, लीडर हार। प्यार देख के अरविंद जी गदगद हो उठे। मैं क्या जी, ये शहर वो शहर है जिधर ये हो गया संगरूर का नतीजा आ जाता है। सो वीरो आज उन्होंने पिंडा दे विचों काट रहे ने, उन्होंने पिंडा दे विच वरन नहीं देंदे, गलियां च वरन नहीं देंदे, जड़े अपने आप नु बड़े कहंदे सी। शीला दीक्षित जिस दिन दिल्ली दे विच चोणा होईयां, शीला कहंदी ये केजरीवाल कौन है, 4 दिनों बाद वोटा गिरिया पता लग गया कौन है। उस तो बाद कांग्रेस वालों ने, बीजेपी वाले ने अपनी कोठिया चो नौकरानियां भी हटातियां, सफाई वालियां कहंदियां तड़के झाड़ू चक लेने हो, इसे नहीं मान लेना। इस तो पहले आपा, इससे पहले हम झाड़ू से सिर्फ मकान और दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से हम हिंदुस्तान साफ करेंगे। वीरो बहुत बहुत धन्यवाद। असि अज लंबा रूट है और तबीयत भी इन्हां दी ठीक नहीं, पर एक कहंदे देश वास्ते कोई तबीयत दी फिक्र नहीं, असि देश दे काम आ जाइए, इस तो बड़ा साडे लई कोई स्वर्ग नहीं। तो इस तो बाद असि
ਜੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ ਚਾਹ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹੈ अंबानियों से हेलीकॉप्टर लिए अंबानियों ने कहा है फटाफट जाके प्रधानमंत्री बन जाओ इकट्ठे लूटा करेंगे तो फिर जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना लेता है वो डर क्यों रहा है कहता है मैं वाराणसी से लड़ूंगा अरविंद जी ने कहा मैं भी आ रहा हूँ बोले अच्छा तो फिर मैं कहीं और भी जा रहा हूँ वो फीलिंग लेते हैं नकली लाल किला बनवा लेता है मोदी स्टेज पर नकली लाल किला बनवा लेता है और फीलिंग लेता है कि मैं 15 अगस्त को शायद लाल किले से ही बोल रहा हूँ हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है यूं कहने को तो मोदी साहब मुर्गे के सर पे भी ताज होता है सवीरो आओ इकट्ठे होके दो नारे दोनों जाके असी नारा बंदे का नहीं लाना भगवंत मान जिंदाबाद नहीं अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद नहीं राहुल मोदी जिंदाबाद नहीं असी नारा शहीदा का लाना है इनकलाब जिंदाबाद लाओ ताकि शहीदा की आत्मा इतनी कितने फिरती होनी उन्हें सुकून मिले है मलेरकोटले दिया गलियां जिन्हों ने साढ़े वाला दीवा जगा के रखा होया इनकलाब खुदा हाफिज सलाम अलैकुम नमस्कार और एक छोटी सी चीज है दोस्तों परसों मैं वाराणसी जा रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कुमार विश्वास गए हुए हैं राहुल गांधी को हराने के लिए अमेठी लेकिन ये चुनाव हम नहीं लड़ सकते पंजाब का चुनाव खत्म होने के बाद आप आधे लोगों को अमेठी जाना पड़ेगा आधे लोगों को वाराणसी आना पड़ेगा एक मलेरकोटला का एक ऐसा वासी है जिसके दोनों बाजू नहीं है दोनों बाहर कटी है पर फिर भी मेहनत की कमाई करके खांदे है किसे तो मांग के नहीं खांदे सारी दिहाड़ी रेड़ी चलाउंदे है रिक्शा इनका सम्मान अरविंद जी आप प्लीज फोटो ले ले जी फोटो ले लो मेरे वीरो इन्हां लोकां नूं उपर लेके आउणा जिहड़े देश दे सब तो वड्डे मेहनत कश लोक ने जिन्हां ने कदे एसी नहीं देखिया जिन्हां ने कदे मिनरल वाटर नहीं देखिया आ हैलीकॉप्टर वालियां नूं 30 तरीक नूं थल्ले ला लो लाल बत्तियां वालियां नूं थल्ले ला लो ठीक है खुश हो बहुत बहुत शुक्रिया हरिंदर खालसा जी जेडे फतेहगढ़ साहब तो चोन लड़ रहे ने साडे